Hey guys, hope आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो यार ये वाला पॉइंट ना मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि आपने पर्सनली गेट के लिए प्रिपेयर क्यों किया, मतलब आप तो जॉब कर रहे थे, एक डेढ़ साल का एक्सपीरियंस भी हो गया था, तो क्यों इतना मतलब मेहनत किया और गेट क्रैक किया और फिर IIT में एमटेक कर रहे हैं, क्यों क्यों नहीं? तो यार देखो, ये घिसा पिटा सवाल तो सब देते हैं कि हाँ अच्छा पैकेज लगेगा, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जॉब की, फैंग में जाने का मौका मिलेगा एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब तो होता ही है। कुछ और छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि मैं मेरे जो पर्सनल ओपिनियंस थे, मेरे क्या रीजन्स थे, वो मैं बता देता हूँ। तो यार सबसे पहला रीज़न तो यही था कि IIT ड्रीम था, मतलब ऑब्वियसली 11th 12th में बहुत कोशिश करी थी कि जाना है, उस टाइम नहीं जा पाए, तो अब वापस एक और मौका मिला था इस ड्रीम को पूरा करने का, तो वाई नॉट तो किया था। और एक और ये रीज़न था कि यार उस टाइम ना बहुत सारे दोस्त जो थे वो IIT में चले गए थे, कोटा वाले फ्रेंड्स, तो उनसे सुनने को मिलता था कि यार इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, नए नए लोगों से मिलने को मिलता है, अलग अलग स्टेट के लोगों से मिलने को मिलता है, आपके चारों तरफ आपसे ज़्यादा स्मार्ट लोग रहते हैं, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, तो उनसे कंटिन्यूसली डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ होती है, मतलब बेसिकली जो IIT लाइफ होती है वो जीने को मिलती है। तो यार एक वो रीज़न भी था कि यार देखे तो सर एक्सपीरियंस तो करें कि ये कैसा होता है, क्योंकि मन में ऐसा था कि यार जॉब एक डेढ़ साल कर ली है, अब जिंदगी भर जॉब तो करनी ही है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी इंडिया के मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की, ये एक्सपीरियंस लेने की, ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, मतलब ये वाला एक्सपीरियंस तुमको और कहीं पर नहीं मिलेगा, वो वाला एक्सपीरियंस लेना था, इसलिए प्रिपेयर किया, क्योंकि मन में था कि जॉब तो जिंदगी भर कर ही लेंगे यार, ये एक बार गया तो वापस ये वाला एक्सपीरियंस वापस जीने का मौका थोड़ी मिलेगा यार, यही बातें तो बाद में याद आएंगी। रीजन था कि यार फील करना था कि आपको जो एजुकेशन लेवल, जो लोग कहते हैं ना कि इस लेवल का एजुकेशन आपको मिलता है IIT में जाने के बाद, वो कैसा होता है, क्योंकि यार अब मेरे को लगता था जब मेरे दोस्त वगैरह कहते थे कि ये भाई यार अलग लेवल का पढ़ाते हो तुम, जो तुम नॉर्मल कॉलेज में पढ़ते हो और जो तुम IIT में पढ़ते हो तुम कंपेयर नहीं कर सकते, मेरे को लगता था कि यार ये फेंक रहे, कुछ भी होता है, मतलब ऐसा क्या ही खास पढ़ा देते हैं। आर यू कॉमेडी मी? मतलब तो जब अब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ना, तो यार तब पता चलता है कि यार वो खास पढ़ाते वही हैं, वो खास कुछ पढ़ाते नहीं, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका, वो जो हमको पढ़ाते हैं ना, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन तरीके से पढ़ा रहे हैं, कि इस तरह का मैं BTech में कभी नहीं पढ़ा, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, इन 3 महीनों में मैंने जितना सीखा है, जितना कोडिंग किया है और जितना प्रैक्टिकल नॉलेज गेन किया है ना, उतना मैंने मेरे 4 साल के इंजीनियरिंग में नहीं सीखा होगा, सीरियसली इतना ज़्यादा सही तरीके से पढ़ते हैं यहाँ के असाइनमेंट्स, यहाँ का करिकुलम, बेसिकली यहाँ का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, वो अ लॉट बेटर है हमारे बाकी कॉलेजेस के मुकाबले, इसलिए मे बी इसीलिए IIT का नाम भी है। तो ये वाला एक्सपीरियंस लेना था यार। एक और तीसरी चीज़, कैंपस लाइफ, अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ ऑब्वियसली कैंपस लाइफ, लेकिन जो कैंपस लाइफ है IIT की, वो यू कांट बीट इट इन एनी अदर कॉलेज, क्योंकि जो फैसिलिटीज़, जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जो कल्चरल फैसिलिटीज़, जो लैब्स, जो लाइब्रेरीज, जो सब कुछ है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और वो सारा एक्सपीरियंस करना था यार, क्योंकि जब आप नॉर्मल किसी कॉलेज में पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको ये सब इतना लार्ज लेवल पे, इतने अच्छे लेवल पे नहीं देखने को मिलता है। फोर्थ एंड एक और चीज़ कि अपॉर्चुनिटीज, स्कॉलरशिप्स, कंपटीशन, मतलब मैं सही बता रहा हूँ कि पहले मुझे लगता था कि यार ऐसा क्या ही खास अपॉर्चुनिटीज मिल जाती होगी IITs में यार, और क्या ही हो जाता था, अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि भाई हर हफ्ते एटलीस्ट कोई 2 कंपटीशन हो रहे होते हैं, उनके मेल आ जाते हैं, या कोई हैकथॉन हो रहा है, या कोई कंपनी स्कॉलरशिप करवा रही है, स्कॉलरशिप टेस्ट करा रही है, स्कॉलरशिप ये करवा रही है, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, इसके बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था कि यार इतनी सारी चीज़ें हो सकती है किसी कॉलेज में जब हम BTech कर रहे थे। तो इसलिए यार ये सब एक्सपीरियंस करना था, ये इस तरह की ज़िंदगी जीनी थी, क्योंकि नौकरी तो यार जिंदगी, मैं वापस करूँ, क्योंकि मेरे मन में एक यही लाइन घूमती थी कि यार नौकरी तो जिंदगी भर करनी है यार, ये वाला मौका वापस थोड़ी आएगा, क्योंकि जिंदगी तो एक ही मिली है, तो जो भी ख्वाब है, जो भी चीज़ें हैं, वो पूरी कर लेते हैं, बस इसीलिए मैंने तो प्रिपेयर किया था। अब मैंने बस ये वाला वीडियो मैंने बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपनी फीलिंग्स बाहर रखने के लिए बनाया है, किसी को मोटिवेशन मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं यार, मेरे को बस ये वीडियो बताना था कि इसीलिए किया मैंने प्रिपेयर, क्योंकि ये एक्सपीरियंस गेन करना था मुझे। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, और वीडियोस देखने हो तो सब्सक्राइब कर देना, वो तो ऑब्वियस है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे, ठीक है।